गुड मॉर्निंग बच्चों, थर्ड क्लास आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपने कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो मुझे जल्दी से करके मुझे सेंड कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आपका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है आर यू रेडी फ्रेडी। बच्चों एक लड़की की कहानी है फ्रेडी की। वो क्या होता है, वो बहुत ही लेज़ी होता है, जो फ्रेडी है वो बहुत लेज़ी है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस लेसन के तीन चार इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं, एक तो फ्रेडी है, दूसरा बॉबी उसका दोस्त जो उसके साथ बैंड में काम करता है, और उसके पेरेंट्स हैं फ्रेडी के और अंकल एल्बर्ट हैं जो फ्रेडी को सबक सिखाते हैं। बच्चों आप में से ही बहुत बच्चे लेज़ी होंगे जो अपना काम टाइम से नहीं करते हैं, है ना, स्कूल के लिए हमेशा लेट पहुँचते हैं, घर का भी कोई काम नहीं करते हैं और अपना होमवर्क भी लेट कम्प्लीट करते हैं। तो उन बच्चों के लिए है कि वो उन बच्चों को इस लेसन के द्वारा कुछ सबक सीखने को मिलेगा। तो बच्चों जो फ्रेडी है वो किसमें काम करता है, एक बैंड में काम करता है, क्योंकि वो पढ़ता भी है, एक छोटा लड़का है इसके जैसा, वो एक बैंड में काम करता है और पढ़ता भी है। तो उसकी स्टोरी है, पहले हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक ग्रुप होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का हु प्लेड अ बैंड, जो क्या बजाते हैं, बैंड बजाते हैं। बच्चों बैंड में आपको पता है क्या होता है, जिसमें गाना गाते हैं और हम अपने जो है इंस्ट्रूमेंट है उनको बजाते हैं, जैसे शादी में पार्टीज़ में आपने देखा होगा। प्यूपिल ऑलवेज इन्वाइटेड देम टू प्ले एट अ वेडिंग, प्यूपिल हमेशा उनको इन्वाइट करते हैं शादी में गाना बजाने के लिए। वेडिंग क्या होता है, शादी। और एट अ हैप्पी इवेंट, और जो भी हैप्पी इवेंट होते हैं टाउन में यानी उनके कस्बे में, जो भी हैप्पी इवेंट होते हैं, खुशियारों के मौके होते हैं, उन पे वो गाना बजाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है आगे हम देखेंगे। द ओनली प्रॉब्लम वाज फ्रेडी, केवल प्रॉब्लम क्या है, फ्रेडी ही प्रॉब्लम है, हु प्लेड द ट्रम्पेट, जो क्या बजाता है, एक ट्रम्पेट बजाता है। जो ट्रम्पेट क्या होती है, सुराही, एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से आवाज़ निकलती है, वो ट्रम्पेट बजाता है फ्रेडी, और क्या करता है, सेइंग ब्यूटीफुली, और बहुत ही खूबसूरत गाता है। ही वाज अ परफेक्ट मेंबर, वो एक परफेक्ट मेंबर है ऑफ द बैंड का, बट ही वाज ऑलवेज लेट, वो एक परफेक्ट मेंबर तो है लेकिन वो हमेशा क्या रहता है, लेट रहता है ना, बहुत लेजी है वो, आलसी है, हमेशा लेट रहता है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। When they had to go for a practice or an event, they called at Freddy. जब वो बैंड के जो मेंबर्स हैं वो सब जब प्रैक्टिस पे जाते हैं और किसी भी इवेंट पे जाते हैं तो फ्रेडी को बुलाने आते हैं फ्रेडीज़ के हाउस पे। But it was always the same. लेकिन हमेशा ही क्या होता है, फ्रेडी लेट होता है। Are you ready, Freddy? They would shout. Shout means होता है चिल्लाना। वो चिल्लाते हैं कि उसके बैंड के जो मेंबर हैं वो चिल्लाते हैं गेट पे, आर यू रेडी फ्रेडी, जो लेसन का नेम है, कि क्या तुम रेडी हो फ्रेडी। नियरली रेडी, नियरली मीन्स क्या होता है, जल्दी, जल्दी ही तैयार हो जाऊंगा, फ्रेडी वुड कॉल बैक। फ्रेडी क्या आंसर देता है हमेशा, कि मैं नियरली रेडी, यानी कि जल्दी से मैं तैयार हो जाऊंगा। द अदर्स वुड ग्रोन बिकॉज फ्रेडी नियरली मेंट अबाउट एन आर। लेकिन क्या होता है, ग्रोन मीन्स होता है करहाना, यानी कि परेशान होना, यानी कि जो बाकी सब लोग हैं बैंड के वो सब उससे हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि फ्रेडी का नियरली का मतलब क्या होता है, जल्दी से का मतलब होता है कि कम से कम उसे एक घंटा लगेगा, मेंट अबाउट एन आर, यानी कि उसको तैयार होने में वो एक घंटा लगा देगा। वन डे बॉबी, एक दिन बॉबी हु वाज फ्रेडीज माइंडर, एक और मेम्बर है उसका जो बैंड का मेम्बर है बॉबी, उसका दोस्त जो कि कौन है, वो फ्रेडी के साथ काम करता है, MINDER माइंडर मीन्स क्या होता है, काम करने वाला, जो फ्रेडी के साथ काम करता है बॉबी, सेट टू हिज पेरेंट्स, वो फ्रेडी के पेरेंट्स से बोलता है, कौन, बॉबी, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस एनी मोर। बॉबी क्या बोलता है उसके पेरेंट्स से, क्या हमें नहीं लगता कि हम इसके साथ काम कर पाएंगे। द पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर बॉबी, अब पेरेंट्स को क्या लगता है, बहुत ही बुरा लगता है बॉबी के लिए और अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो बैंड में थे, क्योंकि फ्रेडी सबको परेशान करता है इसलिए। आई डोंट नो वॉट टू डू अबाउट हिम, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। ही डज़ नॉट गेट अप अर्ली,
कि वो जल्दी नहीं उठता. कौन नहीं उठता जल्दी? फ्रेडी. ही डज नॉट गेट टू स्कूल इन टाइम, और वो स्कूल भी टाइम पर नहीं जाता. फ्रेडीज़ फादर सेड, ये सब बातें किसने कही? फ्रेडीज़ के फादर ने कही, फ्रेडी के फादर ने, कि वो जल्दी नहीं उठता है ना ही वो स्कूल टाइम पे पहुंचता है. आई स्टैंड विद हिम अनटिल ही हैड ब्रश्ड हिज टीथ, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूँ जब वो ब्रश करता है अपने टीथ को. ब्रश हिज टीथ एंड कॉम्ब हिज हेयर. कॉम्बनेस क्या होता है? काटना. जब वो अपने बाल काटता है मैं तब भी उसके साथ खड़ा रहता हूँ. फ्रेडीज़ मदर सैड नाउ द बॉयज़ इन द बैंड बिगेन टू कॉल फ्रेडीज़ टू आवर्स बिफोर दे गॉट टू हिज हाउस, बट स्टिल दे हैव टू शाउट इन फ्रंट ऑफ द हाउस. आर यू रेडी फ्रेडी? लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे जो बैंड के जो मेम्बर्स हैं वो तुम्हें 2 घंटे से आवाज़ लगा रहे हैं घर के सामने, लेकिन तुम अभी रेडी नहीं हो फ्रेडी. ये डेली का ही है. अब बच्चों ये तो हो गई आपकी फ्रेडी की स्टोरी. अब नेक्स्ट है इसका एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो रही है, अंकल एल्बर्ट. ये कौन है? ये फ्रेडी के अंकल हैं जो उसके घर पे रहने के लिए आते हैं. वन डे अंकल एल्बर्ट केम टू स्टे विद फ्रेडीज फैमिली. एक दिन एल्बर्ट अंकल उसके घर पे रहने के लिए आते हैं बहुत सालों बाद, आफ्टर मैनी ईयर्स. ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट फ्रेडीज, लेकिन उनको फ्रेडी के बारे में नहीं पता है कि फ्रेडी कैसा है. अवेयर मीन्स पता होना, यानी कि जागरूक होना. वो फ्रेडी के बारे में नहीं जानते हैं. देन वन डे फ्रेडीज पेरेंट टोल्ड हिम, तब एक दिन फ्रेडी के पेरेंट्स ने उनको बताया. द नेक्स्ट डे अंकल एल्बर्ट सॉ बॉबीज वेटिंग फॉर फ्रेडीज स्टेयर सिटिंग ऑन द स्टेयर्स. फिर अगले दिन अंकल ने बॉबी को वेट करते हुए देखा फ्रेडी के घर के सीढ़ियों पे, जो कि सीढ़ियों पे बैठ के वेट कर रहा है. जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये बॉबी है, ये अंकल एल्बर्ट हैं, ये दोनों बैठ के बात करेंगे अब आगे. देवर अ वेडिंग एट 9 o'clock के. अब बॉय बताता है अंकल को कि 9 बजे शादी है और फ्रेडी हैड टू प्ले अ सोलो सॉन्ग. और उसको क्या, फ्रेडी को एक सोलो मीन्स इकला, किस फ्रेडी को एक गाना गाना है इकले, और वो गाना उसको क्या, होल सॉन्ग बाय हिमसेल्फ, वो पूरा गाना उसको खुद ही गाना है, इकले गाना है. अब एल्बर्ट अंकल बोलते हैं यू नो ही इज़ ऑलवेज लेट, तुम्हें पता है वो हमेशा लेट रहता है. व्हाट डू यू डू अबाउट इट, तुमने इस बारे में क्या किया है कि वो हमेशा लेट रहता है, तुमने क्या किया क्या अब तक? अंकल एल्बर्ट ने कहा मैनी थिंग्स बट ही इज़ ऑलवेज लेट. सैड बॉबी, बॉय बोलता है बहुत सारी चीज़ें की हैं लेकिन वो हमेशा ही लेट रहता है. अब आगे देखेंगे वाई डोंट यू डू नथिंग फॉर अ डे और टुडे. क्या तुम अब जो है अंकल एल्बर्ट उनको कुछ सजेशन देते हैं कि क्यों ना तुमने इतना सब कुछ किया है, अब तुम कुछ मत करो 2-4 दिन, है ना. परहैप्स दैट विल टीच हिम समथिंग इम्पोर्टेंट, कि उससे वो क्या, उसको कुछ ना कुछ अक्ल या समझ जरूर आएगी कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो उसे कुछ समझ आ सकती है. ही विल नो पीपल गो टू आ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर हिम, जब उसे पता चलेगा कि लोग उसकी वजह से कितना ट्रबल, इनकी कितना परेशान होते हैं. जो नेक्स्ट पेज है इसके बाद, अब आपको प्लान पता चल गया क्या प्लान बनाया है अंकल ने और बॉबी ने. अब बॉबी टोल्ड अ न्यू प्लान टू द बैंड, अब बॉबी ने जो प्लान बनाया है वो बैंड को बताया और अंकल एडवर्ड ने फ्रेडीज की मदर और फादर को बताया. ऑन द मंडे मॉर्निंग, अब बच्चों का प्लान स्टार्ट हो चुका है, वो देखो क्या करेंगी. नेक्स्ट डे मंडे था तो उसकी मम्मी, फ्रेडी जो है जल्दी नहीं उठा, उसका डेली का काम था, वो स्कूल के लिए लेट था, है ना, तो उसकी मम्मी ने भी उसको नहीं उठाया. तो क्या हुआ, जब वो स्कूल पहुँचा तो उसकी टीचर ने ही टीचर स्कॉल्ड, उसके टीचर ने उसको क्या करा, डांटा. जब आप लेट पहुँचते हो तो आपके टीचर भी डांटती हैं. एंड गेव हिम एक्स्ट्रा होमवर्क टू डू, और उसको पनिशमेंट में एक्स्ट्रा वर्क दिया करने के लिए. अब बच्चों कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा, देखना उसके साथ क्या क्या होगा. और शाम को इन द इवनिंग वो बैंड प्रैक्टिस के लिए लेट हो गया, और वो जब पहुंचा बैंड में प्रैक्टिस के लिए, जब बाकी सब लोग जो है वापस आ रहे थे. फिर नेक्स्ट है वाई डिड नॉट दे वेट फॉर मी, ही थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से में सोचा. एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से में, कि उसने गुस्से में सोचा कि किसी ने मेरा वेट क्यों नहीं किया.
फिर ट्यूसडे में क्या हुआ, फ्रेडी अगेन स्कूल के लेट हुआ और टीचर ने अगेन उसको बहुत सा वर्क दिया करने के लिए पनिशमेंट में। फिर इवनिंग में क्या हुआ कि उनको जो है द बैंड प्लान टू गो टू अ प्ले ऑन द 100th बर्थडे ऑफ मिस्टर मिसेस फर्नांडिस। मिसेस फर्नांडिस का 100th बर्थडे था, उसमें उनको क्या गाना बजाना था, तो फ्रेडी डिड नॉट कम एट ऑल। फ्रेडी वहाँ पर भी नहीं पहुँच पाया। वेडनेसडे को क्या हुआ, वॉज लेट बट इट वॉज स्टार्ट। क्या हुआ वेडनेसडे को, वो फ्रेडी ने स्कूल जल्दी जाने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी लेट हो गया। उसने फिर से बैंड में जाने की कोशिश की लेकिन वो फिर से थोड़ा लेट हुआ, पहले से थोड़ा लेट, यानी थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। और एंड में क्या हुआ, 3 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। एट द एंड ऑफ 3 वीक्स फ्रेडी वाज इन द क्लास ऑन टाइम। वो 3 हफ्ते बाद क्लास में टाइम पर पहुंचा। नो वन हैड टू शाउट एट हिम, कोई भी उस पर नहीं चीखा, इनकी टीचर ने उसको नहीं डांटा। ही वाज लेट फॉर बैंड प्रैक्टिस, और वो बैंड प्रैक्टिस के लिए ही वाज लेट फॉर बैंड प्रैक्टिस फॉर मैनी मोर वीक्स। उसके बाद बैंड प्रैक्टिस की काफ़ी हफ्ते लेट होने के बाद, बट एट द एंड ही वाज ऑन टाइम, वो बैंड में भी टाइम से पहुंच गया। नाउ रेडी इज ऑलवेज ऑन टाइम बट द बैंड लव टू। अब क्या हुआ, फ्रेडी को सबक मिल गया, फ्रेडी को जल्दी पहुंचना आ गया। फ्रेडी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, अब फ्रेडी हमेशा टाइम पर पहुंच जाता था। बट द बैंड लव टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हाउस। अब क्या हुआ, अब फ्रेडी स्कूल भी टाइम पे पहुंचने लगा, बैंड में भी टाइम से जाने लगा प्रैक्टिस के लिए और वर्क के लिए। अब लास्ट में क्या होता है, द बैंड लव टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हाउस। और जो बैंड के जो मेम्बर्स थे, बैंड था, ग्रुप था, वो उसके घर के आगे खड़े हो गए एंड कॉल, और चिल्लाए, बोले आर यू रेडी फ्रेडी, कि क्या तुम रेडी हो फ्रेडी, यानी कि उसको प्यार से बुलाने हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब फ्रेडी जो है टाइम से तैयार होने लगा है, टाइम से पहुंचने लगा है। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या सीखा इस लेसन से, कि हमें जो है सब अपने काम जो है वो टाइम से करने चाहिए, कभी लेट होना अच्छी बात नहीं होती है, है ना। हमें स्कूल सुबह उठना भी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी तैयार होना चाहिए खुद ही, ये नहीं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहें, और फिर स्कूल पे टाइम पे पहुंचना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप फ्रेडी जैसे नहीं बनेंगे, जैसे लास्ट में फ्रेडी था आप भी आओ ऐसे ही बनेंगे। ओके, थैंक यू।